भाजपा छोड़कर हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर चंदला से पार्षदी का चुनाव जीत चुकी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अनित्या सिंह पर उनकी पार्टी की महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष रानी अहिरवार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वह कांग्रेस पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता है और वह वार्ड क्रमांक 3 से पार्षदी का चुनाव लड़ रही थी। महिला पदाधिकारी रानी अहिरवार के अनुसार वह अपने वार्ड से जीत के करीब थी, लेकिन साजिश रचकर उन्हें हरवा दिया गया। बकौल रानी, नगर परिषद चंदला के अध्यक्ष की सीट आरक्षित है और अनित्या सिंह पुनः अध्यक्ष बनने की फिराक में है। उन्हें आशंका थी कि मैं यदि चुनाव जीतती हूं तो अध्यक्ष पद की दावेदार हो जाऊंगी, लिहाजा अनित्या सिंह ने वार्ड क्रमांक 3 में लगभग 2 लाख रुपए और 1 लाख की शराब बंटवा कर आप पार्टी के प्रत्याशी को जितवा दिया। ब्लॉक अध्यक्ष रानी के अनुसार अनित्या पहले सपा में थी, फिर भाजपा में आकर अध्यक्षी हथियार ली और अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अध्यक्ष की कुर्सी पर निगाह रखे हुए हैं, जबकि उनका कोई ठिकाना नहीं है वे कितने दिनों तक कांग्रेस पार्टी में रहती है। यदि वह पुनः अध्यक्ष बनती है तो सहज ही चंदला के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी हम व्यस्त हैं अनित्या, मुझे यह तो पता नहीं कि रानी अहिरवार महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष है, लेकिन मैं अभी एक जगह व्यस्त हूँ, इसलिए इस संबंध में बाद में बात कर लेंगे। अनित्या सिंह, कांग्रेस पार्षद चंदला। छतरपुर से जिला ब्यूरो राम पाठक की रिपोर्ट।